भगवान मुझे आशीर्वाद दो ताकि इस बेवक्त की शहनाई यानी मेरे दोस्त अशोक की बिन मोहब्बत की सगाई का खतरबूत कर सकूं यानी खत्म कर सकूं। अजब होती है ये झूठी मोहब्बत, जबरदस्ती मैं फुसलाया गया हूँ। मैं अपनी माँ से डर कर भाग आया, मैं खुद आया नहीं, लाया गया। वाह 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 बेटा अशोक, इस वक्त 7:07 हो चुके हैं और मेरी इकलौती बेटी और तुम्हारी मंगेतर सरिता स्वीट 17 बन चुकी है। इसलिए इस खुशी के मौके पर बेटी सरिता अपने हाथ से केक काटेंगी और आप इनका हाथ पकड़ेंगे। क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है राय साहब के मेरी घड़ी और मेरे दोस्त की घड़ी के अनुसार अभी 40 सेकंड और बाकी है। मुझे हट जाओ, मुझे अपना जान बचाओ बिना दर, हट जाओ। मुझे इधर अशोक बाबू है, इधर कोई अशोक बाबू है? मैं हूँ अशोक, मैं हूँ अशोक। मुझे तुम अशोक बाबू है? अशोक बाबू, आपका दोस्त कोची खान हमारा लॉरी के नीचे बकरे का बच्चा कमा पका के मर गया। कोची खान मेरी जान, उसका आखिरी दीदार करना है तो जो हॉस्पिटल चलो, चलो जल्दी चलो। कोची खान मेरी जान, बेचारा कोची खान। डैडी, आज अशोक हमें फिर बना गया। किसी की जान जा रही है और आप अताएं दिखा रही है। खैर, मैं अभी अस्पताल में फोन करके पता लगाता हूँ। क्या हुआ? अब मेरे पास टाइम नहीं है, अलार्म बज गया। ये क्या अदाएं दिखा रहा? अरे अदाएं दिखाता हुआ तो शीला का बाप चलाया जापान से। अच्छा, हाँ तो फिर मोहब्बत खतरे में? नेवर। तो तू मिलता क्यों करे? है यार की साड़ी का सहारा लेकर यार के बाम पर जाता हूँ। विश्व बेस्ट ऑफ लक। अशोक, इस हरकत का माता जी को पता ना चले, नहीं तो वो काबुल से पठान को बुलवा कर मेरे चिथड़े उड़वा देगी। तशरीफ रखिए, फरमाइए। गायत्री देवी, जापान में आपके बड़े लड़के की मौत की इत्तला तो अरसा हुआ आपको दी जा चुकी। मेरे लिए तो वो उसी दिन मर चुका था जिस दिन उसकी शादी मैंने यहाँ ठहराई और उसने मेरी मर्जी के खिलाफ वहाँ एक जापानी लड़की से शादी की। इस शादी से उनके यहाँ एक बच्चा भी पैदा हुआ। शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। अगर आप उस औरत या बच्चे के बारे में कुछ कहने आए हैं तो आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब खत आया है कि बच्चे की माँ भी गुजर गई। मुझे अफसोस है। मरते समय बच्चे की माँ ने खत आपके नाम लिखा। मेरे नाम? इजाजत हो तो खत का तर्जुमा आपको पढ़कर सुनाऊं। सुनाइए। मेरे पति कहा करते थे कि बच्चा भगवान का रूप होता है। वो ये भी कहा करते थे कि जिस दिन माँ इस छोटे से भगवान को देखेगी उसका गुस्सा उतर जाएगा, हमको जरूर माफ कर देगी। वो तो ये हसरत लिए इस दुनिया से चले गए। हो सकता है कि जो खुशियां आपको अपने बेटे से न मिल सकी वो खुशियां आपको आपका पोता दे सके। आपको भगवान ने सभी कुछ दिया है, इसलिए इस बच्चे को अपना न सही किसी गरीब माँ का बच्चा समझकर, किसी नौकरानी का बच्चा समझकर अगर साथ रख लीजिएगा और यतीम खाने जाने से बचा लीजिएगा तो भगवान आपको और ज्यादा खुशियां देंगे। बहू तो कैसे लिखूं, एक बेसहारा बच्चे की माँ न्योशी। हमारे लिए क्या हुक्म है? आप मेरे छोटे बेटे अशोक का जापान जाने का इंतजाम कीजिए। वो बच्चे को वहां से लेकर आएगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन महेश को छोड़कर टोक्यो नहीं जाऊंगी पिताजी। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं होने देता। महेश, हे भगवान, मेरे प्यार की लाज रखना। मैं अभी तुम्हारी प्यार की लाज का इलाज किए देता हूँ। ये तुम पहन लो, ये तुम धक्का दो। तोलाराम, ये 200 रुपए पेश की। महेश की ऐसी मरम्मत करना कि वो जिंदगी में शीला का नाम कभी न लेगा। हाय 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 हाय।
हाय मेरी शीला की मलमल की साड़ी, ए मेरी जन्नत की सीढ़ी, अब जल्दी से मुझे मेरी महबूबा तक पहुंचा दे। जब फरहाद पहाड़ खोद सकता है तो क्या मैं ये साड़ी पकड़ कर नहीं चढ़ सकता? शीला, आपकी खिदमत में ये दास, आपका खादिम, बल्कि गुलामन गुलाम हाजिर। हाय हाय हाय। लेकिन शीला, आज तुम जरूरत से ज्यादा तगड़ी और लंबी दिखाई दे रही हो। क्या खजूर खाना शुरू कर दिया है? बहुत हिल रही। शीला, इस मेरे जन्म जन्म के ससुर को मना कर दो कि हम दोनों की मोहब्बत के बीच में मच्छर बन के भुनभुनाया ना कर। जब दो दिल मिलजुल कर गाफिल हो जाते हैं तो ये बूढ़ा मच्छर भुनभुनाकर हमारी मोहब्बत का खून चूस लेता। इस मच्छर से सीखे बुजदिली बेहूदगी कोई, दो दिल मिले तो चीख दे भुन भुन पुकार। शीला, शीला, वाह, अब ये घूंघट कैसा? शीला, घूंघट के पट खोल तो है महेश मिलेंगे। खोल दे शीला, घूंघट खोल दे शीला। सर के बाल हाथ में, शीला मच्छरों ही मच्छरों की फौज नजर आ रही है। मरद भेन, ये तुम्हारे बाल ले लो। बात दरअसल ये है कि मोहब्बत अंधी होती है और शायद इस अंधेपन में मैं गलत जगह पे आ गया हूं। मोहब्बत का नशा अभी उतार दिया जाएगा। अरे नहीं नहीं जालिम सिंह, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अब ये बता मेरी शीला कहाँ है? तुम और तुम्हारी मोहब्बत से तंग आकर उसका बाप उसे कल टोक्यो लेके जा रहा है। टोक्यो? इन्हें अकेला टोक्यो मत जाने दीजिए माँ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। हमारे देश की सभ्यता आज इसलिए बदनाम हो रही है क्योंकि आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियाँ शादी से पहले इस तरह साथ साथ घूमते हैं जैसे लैला मजनू की डायरेक्ट औलाद। क्या ख्याल आपका? यू आर राइट। डैडी, ये आज हम एक फिर बना रहे हैं। यू आर राइट। राय साहब, ये पगला जरूर है लेकिन बात पते के कह रहा है। यू आर राइट। भगवान फूल बरसा रहे हैं, कांटे जल रहे हैं और कामयाबी सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर नाउ फ्लाइंग ओवर द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इन अ फ्यू मोमेंट्स आवर एयरक्राफ्ट विल लैंड इन टोक्यो।
the most beautiful city of the East. Please fasten your seat belts and refrain from smoking. Remain seated till the aircraft comes to a complete halt. Thank you. बातों बातों में मैं अपना कार्ड देना भूल ही गया। सारे जापान में अपना एक ही दुकान है, इंडियन आर्ट एम्पोरियम। जरूरत पड़े तो याद करना, टाइम मिले तो फोन भी कर लेना। जरूर मिले। Your attention, please. Air India passengers, please collect your baggage from counter number 3. Thank you. Chiku-san. Chiku-san? Nice name. But a naughty boy. Leave me alone. Chiku-san, your uncle. Hello, Chiku. Judo expert. Chiku, अच्छे बच्चे बुजुर्गों का अदब क्या करते हैं? ये तो मैंने नमूना दिखाया है अंकल, तुम मुझे इंडिया ले जाना चाहते हो, मगर मैं नहीं जाऊंगा। नहीं चीकू, मैं तुमसे जापान मिलने आया हूँ, अपना टोक्यो नहीं दिखाओगे मुझे? चलो फिर, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तुमको घुमाने के लिए। अरे चीकू, तुम्हारे अंकल के पास बहुत पैसे हैं, चलो। चीकू कोको कोला पिएगा? फिर कहोगे कि इंडिया जाएगा, ना मैं कोको कोला पीऊंगा ना मैं इंडिया जाऊंगा। अच्छा चीकू, कोको कोला पी ले, मैं तुझे हिंदुस्तान नहीं ले जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, हिंदुस्तानी जबान के पक्के होते हैं। और जापानी भी जबान के पक्के होते हैं। तुम जितना भी कोको कोला दोगे मैं पी लूंगा, मगर मैं इंडिया नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा, मत जाना। जापान में क्यों नहीं रह जाते? बेटे मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा वतन हिंदुस्तान है। तो फिर मुझे क्यों ले जा रहे हो? मैं जापान में पैदा हुआ, मेरा वतन जापान है। मगर चीकू, तुम्हारे डैडी हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। हुए होंगे, मगर मेरी माँ तो जापान की थी और मैं जापान में पैदा हुआ। बहुत तेज है तू, चल। कुछ दिन जापान में रह जाओ, तुम भी तेज हो जाओगे अंकल। चीकू जो भी खिलौना चाहो ले लो, मैं तुम्हारे लिए सारी दुकान खरीद सकता हूँ। थैंक यू अंकल। ये भी लूंगा और ये भी लूंगा और ये भी लूंगा। और ये भी ले, ये हमारे हिंदुस्तान का ताजमहल है, जो दुनिया के 7 वंडर्स में शुमार किया जाता है। इसको देखने के लिए लोग दूर दूर के मुल्कों से आते हैं। तू देखना चाहता है? अंकल मुझे दिखाना चाहते हो तो ताजमहल जापान लाना पड़ेगा। लेकिन तू हिंदुस्तान नहीं जाएगा? खाली ताजमहल देखने, वो तो मैं टेलीविजन पर देख चुका हूँ। इंडियन डांसर को शोकाई चश्मा। डांसर वा टोक्यो नियो शुमारो इंडो नो गा फुजिन देस। सा हजमे माशो। माय सरप्राइज। वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया अजब इशारे। लेडीज एंड जेंटलमैन,
ये इशारा था कि खास उम्र आ जाने के बाद लड़कियों के कुछ हसीन सपने होते। अंकल होने के नाते मैं भी अपने फर्ज से बेखबर नहीं, चाहता हूं कि अपने मरहूम भाई की वसीयत के मुताबिक एक शरीफ, पढ़े लिखे, भोले भाले, सपनों के शहजादे, एक मशहूर पायलट ऑफिसर के हाथ में आशा देवी का हाथ देकर अपने फर्ज को पूरा करूं। प्लीज कम मिस्टर प्राण, मिस्टर प्राण। अंकल, हिंदुस्तानी लड़कियां अक्सर शादी के नाम से यूं ही शर्मा जाती हैं। मिस्टर एंडरसन, यस, प्लीज रीड माय ब्रदर्स विल एंड लेटर। आई हैव गॉट इट, बट लेट मिस आशा कम। पिताजी, मैंने जिंदगी भर आपका कहना माना है, मगर आपकी यह वसीयत न मानने पर मजबूर हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं प्राण से नफरत करती हूँ, उसकी सूरत से नफरत करती हूँ। तुम्हें इस नफरत को मोहब्बत में बदलना होगा, क्योंकि बात पक्की हो चुकी है। अंकल, आप मेरे अंकल होकर मेरी किस्मत ऐसे शख्स से क्यों जोड़ना चाहते हैं जिससे मुझे नफरत है? आशा, तुम्हारी भलाई बुराई मैं तुमसे बेहतर समझता हूँ। तो फिर मुझे समझाइए, ऐसी कौन सी खूबी है मिस्टर प्राण में? मैं पूछता हूँ कौन सी खूबी नहीं है मिस्टर प्राण में? वो शरीफ है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, और फिर तुम्हारी दौलत से नहीं, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ वो सिर्फ मेरी दौलत से मोहब्बत करता है। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे पिताजी को कॉल दे चुका हूँ। अपने बड़े भाई की वसीयत पर अमल करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद। अच्छा, ये सगाई होगी और अभी होगी। जाओ जाकर अपने कपड़े बदल, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, दुनिया को हंसने का मौका नहीं मिला। कम ऑन, ट्राई टू बी अ गुड गाय, प्लीज। मामला बहुत नाजुक मालूम होता है। आशा तुम्हारे से शादी करने के लिए तैयार है, और जब तक आशा हाँ ना कहे वो कमबख्त सॉलिसिटर मरहूम भाई साहब का खत नहीं देगा, और जब तक खत ना मिले हमारा मुकद्दर नहीं खुल सकता। जायदाद 50-50 नहीं बट सकती, और अगर जायदाद जल्दी 50-50 ना बटी तो हमारे गैंगस्टर 100% हमें कुत्ते की मौत मार डालेंगे। तुम तो जरा सी बात से घबरा जाते, मैं आशा को मनाता हूँ, जो करना जल्दी करो। आशा, तुम्हारा गुस्सा सर आंखों पर, मगर किसी गरीब की मोहब्बत भरी खटखटाहट का जवाब तो दो। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर अब भी जवाब नहीं दोगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा, बुरा नहीं मानना। चाचा जी तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। आशा, इन कपड़ों से किसी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, लोग बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे हैं। कपड़े बदल कर फौरन आ जाओ, और देखो फूल ऐसे गालों पर एक खूबसूरत सा काला टीका जरूर लगा लेना, कहीं नादीदों की नजर ना लग जाए। चाचा जी, मुझे प्राण से नफरत है, मैं ये शादी हरगिज नहीं करना चाहती, इसीलिए आपका घर छोड़कर जा रही हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदुस्तानी लड़कियों की अदा भी कुछ अजीब होती है। इतना प्यार करती है आशा अपने अंकल से कि जैसे ही इन्होंने उसकी सगाई का नाम लिया तो अंकल से जुदा होने के गम में रूठ कर कहीं चली गई। जो खुश नसीब उसको ढूंढ कर लाएगा वो $5,000 इनाम पाएगा, 50% मेरी तरफ से और 50% शहजादे की तरफ से। अगर मैं भी यहाँ से भाग जाऊं मेरे अंकल मुझे इंडिया नहीं ले जा सकेंगे।
काश तुम मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हें अपनी पलकों में छुपा लूं। चिको चाहिए ना, ये लो पैसा। नहीं, मैं लड़कियों के पास से पैसा नहीं लेता। मगर ये तो बताओ कि तुम हिंदुस्तानी लड़की होके घर से क्यों भागी? अपनी अंकल की वजह से। अंकल की वजह से? हाँ, वो मेरी जबरदस्ती शादी कर देना चाहता है और मैं करना नहीं चाहती। ये अंकलों की कौन इबरी होती है। मेरा भी अंकल मुझे जबरदस्ती इंडिया ले जाना चाहता है, मगर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं चिकू? जापान में या हिंदुस्तान में? दोनों को भगवान ने बुला लिया, मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। सॉरी चिकू, मेरे ऐसे और भी बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, मेरा भी कोई नहीं है। ये भगवान क्यों बुला लेते हैं सबको? सबको नहीं, जिसको अच्छा समझते हैं बुला लेते हैं। क्यों, मेरे को क्यों नहीं बुला लेते? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? नहीं चिकू, ऐसी अशुभ बातें नहीं किया करते। क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? मुझे क्यों नहीं बुला लिया? क्यों नहीं बुला लिया? इसलिए कि वो हम दोनों को मिलाना चाहते थे। वो एक रिश्ता तोड़ देता है तो दूसरा रिश्ता जोड़ देता है। शायद तुम भगवान के पास आई हो। हाँ, अब हम लोग मिल गए हैं तो कभी अलग नहीं होंगे। प्रॉमिस प्रॉमिस। उठो पार्टनर, सुबह हो गई है, चलो चलो यहाँ से, चलो उठो। ए ठहरो पार्टनर, कोई तुम्हें पहचान लेगा तो ऑल क्लियर होगा तो मैं मारूंगा।
चीकू। थैंक यू पार्टनर। पार्टनर बहुत भूख लगी है, चलो किसी टी हाउस चलकर गर्मा गर्म चाय पीते। आओ ना। दो 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 दो।本当に素敵ですね。あの人よ、テレビに出ていた人は。パートナー、ये लोग तुम्हें पहचान गए हैं। जापानी ज़बान में बात कर रहे हैं। शायद पुलिस को फोन कर दे। चलो भागो। चलो। चलिए मोटर तैयार। छोड़ दो मेरा हाथ। सुना है पिछले जमाने में पृथ्वीराज अपनी संजोगता को घोड़े पर लेकर भागा था, आज हम अपनी संजोगता को मोटर में लेकर भागेंगे। आइए। छोड़ दो। चलो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। आप बैठ जाओ। क्यों नहीं? मेरी टांग टूट गई। टांग टूट गई? और मेरा हाथ भी टूट गया। हाथ टूट गया? देखूं तो। तो ये तेरा टूटा हुआ हाथ था? ए, रोको, रोको। गाड़ी रोको पार्टनर। क्या बात है चीकू? एक बार तुमने मुझे बचाया, अब की बार मैंने तुम्हें बचाया। हिसाब बराबर हो गया, बस अब बाय बाय कर लो। लेकिन क्यों? ये तुम्हारी हिंदुस्तानी साड़ी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी पकड़वाएगी। देखो चीकू, पार्टनर बनने का वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो फिर तुम अपना भेष बदलो, कोई और कपड़े पहनो। अच्छा तो किसी डिपार्टमेंट स्टोर ले चलो। सीधे हाथ पर एक हिंदुस्तानी रेडीमेड कपड़ों का स्टोर है। ग्रैंड आइडिया, चलो। ये दुकान आप ही की है, जो चीज चाहिए वो पसंद कर लीजिए। मालिक तुम मेरा हिसाब चुकता कर दो, तुमने मेरे वतन वालों के सामने मेरी इंसल्ट की है और ये इंसल्ट मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता। डाइजेस्ट तुम्हारा बाप भी करेगा बेवकूफ। तुमको मालूम नहीं ये वही लड़की है जिसके लिए $5,000 इनाम है? तो ये वो टेलीविजन वाली लड़की? हाँ। तो फिर 50-50, मैं टेलीफोन लाता हूं। घंटी। मोशी मोशी, कौन अशोक? ओहो, अगर तुम्हारा भतीजा गुम हो गया है तो फिर मालिक क्या करे?
जो बात करनी है वो दुकान में आके करो और टेलीफोन बंद करो। मुझे मुझे हाय क्या था आशा आपकी दुकान में? हाँ 5000 कैश डॉलर लेके आना। उसे रोक कर रखिए, मैं आपके इनाम की रकम नकद लेकर आ रहा हूँ। इम्पोर्टेंट बिजनेस डन, सी यू लेटर। इसकी ट्रायल रूम बंद करना और उनके ऊपर ध्यान रखना। 5000 डॉलर। सरदारा बहुत परेशान हूँ, मेरा भाई का बच्चा खो गया, बस इतना ही बड़ा है। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे यही है। ये तो लड़की है। शुक्र है तुम्हें लड़की और लड़के में कुछ फर्क तो मालूम हुआ। आदमी बड़े दिलचस्प मालूम होते हो। देखने में आप भी कुछ बुरे नहीं। शुक्रिया। शुक्रिया काहे का, लड़की होते तो चुप कर ले जाता। अच्छा? आज तुम्हारा चाचा तुम्हें ढूंढ रहे होते। मिस्टर, मुझे बुलाकर तुम कहाँ जा रहे हो? लड़की कहाँ है? लड़की? ओहो, ए मिस्टर, ये आपसे मिलना चाहते हैं। ये लो अपना इनाम और फौरन लड़की को बाहर गाड़ी में बिठा दो। लड़की को गाड़ी में बिठा दो? अबे क्या समझ रखा है तूने? मुंह संभाल कर बात कर, खुद ही तो टेलीफोन किया और अब बकवास कर रहा है, इडियट। अच्छा अच्छा, तो तुम वही डफर हो जिसने टेलीविजन पर अपनी छोटी बहन के लिए $5000 का इनाम अनाउंस किया था। छोटी बहन तेरी होगी, मेरी तो होने वाली बीवी है। बीवी? जब शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा मिस्टर? क्या कहा तूने? शहजादे कहाँ उलझ रहे हो, आइए आइए। सेठ जी जरा सुनिए, आपने कोई छोटा लड़का तो देखा नहीं? आप भी इनाम अनाउंस कीजिए, लड़का मिल जाएगा। मोहन कहाँ मर गया? कोई बात नहीं, अपने पास डुप्लीकेट की है। आप अपने महबूबा से मिलिए। चांद सितारों की नजर से छुप सकती हो आशा, लेकिन अपने चाहने वालों की नजर से कैसे बचोगे? लड़का होगा साड़ी पहनता है, तेरे बाप ने धोखा देकर मुझसे $5000 ले लिया। अरे बाप होगा तुम्हारा, मेरा तो 50-50 का पार्टनर है। वो लड़की कहाँ है जिसकी ये साड़ी है? वो लड़की? अरे वो लड़की नहीं, वो तो मेरी माँ थी, और वो लड़का नहीं, वो तो मेरा बाप था। बाप का बच्चा? पार्टनर पार्टनर। महेश, कब तक मेरी मोहब्बत का इंतजार लोगे? तुम्हारी याद में रोते रोते मेरे आंसू भी खुश्क हो गए। क्या तुम टोक्यो नहीं आओगे? क्या तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं है महेश? तू झूठ बोलता है लफंगा कहीं का, मेरा अशोक ऐसा नहीं। माँ अगर आप कहें तो मैं आपके चरण छू के कह दूं, एयरपोर्ट पर अशोक उस मेड इन जापानी लड़की के साथ ऐसे चिपक के खड़ा था, हवा भी नहीं पास हो सकती थी। हाँ माँ, और बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा था। सच कह रहा है तू? माँ आपसे झूठ बोलकर क्या मुझे अपनी जान गंवानी? लेकिन एक बात समझ में नहीं आती माँ, जापान के सितारों की और आपके खानदान के सितारों की कोई पुरानी दुश्मनी है, तभी तो आपस में टकराते रहते हैं। कुछ दिन पहले बड़े भाई साहब जापान अकेले गए थे और वापस नहीं आए, और अब अशोक अकेला जापान गया, भगवान जाने क्या हो। महेश तू भी क्यों नहीं टोक्यो चला जाता? बच्चा मिलते ही दोनों को हिफाजत से लिया, मैं तेरे जाने का इंतजाम किए देती। माँ पैसा तो चलती फिरती धूप छांव है, माँ थोड़े दिन बाद मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की
एनुअल मीटिंग है, मैं कैसे जा सकता हूँ? वैसे मेरा पासपोर्ट तैयार। अपने दोस्त के लिए इतनी कुर्बानी भी नहीं कर सकता? माँ, आज आपने मेरी सोती हुई शराफत और जागती हुई दोस्ती को ललकारा। अब तो मुझे किसी एंगल से टोक्यो जाना पड़ेगा, चाहे मेरा कितना नुकसान हो जाए, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं अपनी मोहब्बत अपने प्यारे दोस्त के लिए। अभी तुझे सीधा करता हूँ। चीकू, चीकू, लो, लो, लो। अबे चीकू के बच्चे, ये क्या पहन रखा है? शर्म नहीं आती सरदारा, परदेश में आकर ऐसी हरकतें करते हो? क्या हरकत की है मैंने? मेरे चीकू को चुना के नहीं जा रहा है? चीकू? कौन सा चीकू? गोल गोल खांदा चीकू? अबे मेरा भतीजा चीकू। तोड़ा भतीजा को रिजर्व बैंक है जो मैं उठाई लिए जा रहा था। एक तो बच्चा समझकर उसको खाना खिला दिया, ऊपर से दोष जमाता है। वाह सरदारा वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। नीचे स्टोर के पास कहता है कि ये लड़की है, मेरा चीकू नहीं, और यहाँ चीकू को बिठा के खाना खिला रहा है। बुला पुलिस को। बुला बुला। पुलिस, पुलिस। अरे यारा, एक देश के होकर पुलिस को बुलाते हो? अच्छा तो अब देश और वतन याद आ गया, डर गए। थैंक गॉड नो फ्रैक्चर। थैंक यू डॉक्टर। नाउ बॉय इंडिया फ्लाई। ओह नो, नॉट फॉर 15 डेज। चाइल्ड वीक बॉर्न। ओके चिकू, अब मैं जाऊंगी। अगर तुमने जाने का नाम लिया तो मैं अंकल से कहूंगा कि तुम सरदारजी नहीं हो, वही भागी भी लड़की हो। नहीं चिकू। अंकल, ये असली सरदारजी नहीं है। क्या कहा? ये असली सरदारजी नहीं है? मैंने चिकू के साथ रहने का वादा किया था, अब जा रहा हूँ, इसलिए जलकर कह रहा है कि मैं असली सरदारजी नहीं हूँ। क्या है पुत्र? सची तो कह रहा है, ये सरदारजी बात के पक्के होते हैं, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। चिकू, अब तुम्हारे प्यारे सरदार जी नहीं। प्रॉमिस, प्रॉमिस। दैट्स इट। चिको, लो सूप पी लो और सो जाओ। मैं तुम्हारे हाथ से नहीं पीऊंगा। नहीं पिएगा? कभी भी नहीं पीऊंगा। मामा देख रहा हूँ सरदार जी, ये बच्चा तो मालूम होता मेरा चचा है और मैं इसका भतीजा। बच्चे नु प्यार ना समझाया जाता है। प्यार का मौका तो दे ये जालिम, करीब आता हूँ तो जुजुत्सु मार के गिरा देता है। कमाल है, खून मेरे घर आने का है, सूप पी रहा है सरदार के हाथ से। पियो और पियो, पियो। नहीं पीऊंगा। बच्चे की साइकोलॉजी की किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यार तुम ही कुछ बताओ हम क्या करें, हम ठहरे शरीफ आदमी, न मोहब्बत की न शादी हुई, बच्चे कहाँ से अटपकेंगे? अरे यार, कोई सोनी कुड़ी देखने को तो मिली होगी। यार हिंदुस्तान में तो कोई सोनी कुड़ी नजर नहीं आई। अरे हाँ, एक सोनी हिंदुस्तानी कुड़ी जापान के टेलीविजन पर नजर आई थी यार, लेकिन वो भी गायब हो गई। बहुत दूर देखते हो, करीब की चीज दिखाई नहीं देंगी। तुम्हारी आंखें यार, तुम्हारी आंखें उस लड़की से बहुत मिलती जुलती है। पर तुम्हारी कोई बहन वहन है यहाँ जापान में? यार हमें उससे मिला दो। मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, माँ बाप का एकलौता, मैनु ही मुंडा समझो, मैनु ही कुड़ी। चलो यार ये भी उम्मीद जाती रही, लेकिन यार सरदार तुम ये जापान में क्या करते रहते हो? मैं एक मोहब्बत पर किताब लिख रहा हूँ, रोमांस का पीएचडी करने का इरादा है। यार एक बार उसका हमें भी बता दो। बादशाह ओए, तुसी मोहब्बत को गाजर का मीठा मीठा हलवा समझते हो, मुफ्त का मिला चट कर गया। हाँ दिखाओ। हेलो, लव लाइन तो दस रही है, कुड़ी मिलेगी। मिलेगी? जरा चक्कर से मिलेगी, मगर मिलेगी जरूर। बादशाह जियो। और सो जा, कल बातें रहें। अरे सरदारा तुसे कितने जा रहे हो? उस कमरे दे विच सोने। अरे यार इतना बड़ा पलंग पड़ा हुआ है, हम दोनों यहीं सो जाएंगे, रात भर बातें करेंगे। मैं रात को नींद में खराटे लेता हूँ, तुम्हें भी नींदर नहीं आएगी। चलो यार बातें ना बनाओ, लो लूंगी पहनो। नहीं सरदारा, तुसी तो ऐसा तरह सरमा रहे हो जैसे लखनऊ दी कोई कुड़ी सरमा रही हो।
अरे यार तुसी नहीं समझते, चीकू बीमार है, अगर रात बीच आंख खुल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। सरदार जी जरा ठहरना। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। अगर तुम ना होते तो इस जिद्दी और बीमार बच्चे को कौन संभालता? एक नहीं तो बच्चे संभालने पड़ रहे हैं। हे भगवान, आज कोई ऐसा अंधा आने दे जो दुकान से जेब खाली कर जाए मगर दुकान से कुछ न ले जाए। फकीरा खड़ा दुकान पर, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ए, दुकान से अलग हट, मर रहा है तो टोक्यो टावर से जाके मर। सबकी खैर मांग रहा है और मेरी दुकान की बर्बादी कर रहा है। बर्बादी तो तेरे सर पर चमगिदड़ की तरह मंडला रही है बच्चा। क्या बक रहा है? मैं बकरा नहीं, मैं आदमी हूँ। तूने 501 रुपए की जगह सिर्फ 200 रुपया देकर एक मासूम मोहब्बत का खून किया है। जापान में? जापान में नहीं, हिंदुस्तान में, बम्बई में, टैंकर मोहल्ले में। ये महेश मर्डर केस ओपन हो गया? पुलिस हिंदुस्तान से रवाना हो चुकी है। बाबा पुलिस को और अपनी जबान को रोक लीजिए। बाबा आपने खाना भी ना खा लिया? खाना खाया, जब रात लगी खटने तो खैरात लगी बटने। नहीं नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं, आइए अंदर आइए। अंदर ही लेना है तो मकान के अंदर ले चलो। बाबा दुकान के अंदर ही मकान है। ऐसा? ओ सेठ, अरे अरे सेठ, ये क्या गजब कर रहा है? ये साधु को कहां घर में घुसा रहे? ओ ये बद्रीनाथ का बासिंदा टोकियो में कहां? मूर्ख प्राणी, तेरी सुपुत्री शीला का चहिता महेश इस दुनिया से चल बसा, लेकिन किंतु परंतु अब वो फांसी के फंदे के रूप में स्लोली स्लोली तेरी गर्दन की तरफ आगे बढ़ रहा। नहीं नहीं बाबा, मैं मरना नहीं चाहता। इतनी बड़ी जायदाद, मेरी जवान लड़की, इसी का बंदोबस्त करने के लिए हम यहाँ पधारे। बाबा कुछ उपाय बताइए। बाबा किसे कहता है? आपको। मेरे बाप को बोल, हम तो साधु महाराज हैं। अच्छा साधु महाराज, कुछ उपाय बताइए। उपाय है, किसी नदी में जाकर खड़ा हो जा और ये जाप कहे। कहिए। फकीरा जमा नदी में, फकीरा जमा नदी में, सबकी मांगे खैर, सबकी मांगे खैर, हो गई दोस्ती महेश से, अब न रहा खानदान का भय। चल 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 नदी की तरफ आगे बढ़, नदी की तरफ। हेलो मुशी मुशी, अरे हमको पुलिस स्टेशन बनता है। गिंजा पुलिस स्टेशन? देखो हमारा ससुरा खुदकुशी करने। नो नो, इंग्लिश में बोलता करो। लिसन, माय सन इन लॉ, नो माय फादर इन लॉ इज सुसाइडिंग। यस सुसाइडिंग, डाइंग। रिवर? यस। व्हाट माय नेम? दुम दम दुम दम दुम दम दुम, इंडिया जेम्स बॉन्ड, ब्रदर ऑफ ब्रूक बॉन्ड, महेश। पिताजी मेरी शादी उस काले भैंसे चटर्जी से करवा रहे हैं, तुम मुझे बचा लो। हुस्न वालों की खैर हो। अरे साई के नाम कुछ मिलेगा? साई के नाम कुछ दे दे रानी। अरे घर में कहाँ घुसे आ रहे हो, स्टोर में जाओ और पिताजी से मांगो। साई को खाली हाथ वापस भेजना घोर पाप है रानी। ए रानी किसको बोलते हो, मैंने कह जो दिया पिताजी से मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? एक पैसा हमने मांगा रहा है मौला वाहजी, फूटे मुंह से ये न निकला, लेते जाओ शाहजी। भीख मांगते मांगते इस जलील हरकत पर उतर आए, रूप धारण करके भगवान को धोखा दे रहे हो। अरे भगवान को धोखा देना तो मामूली बात है, लेकिन एक बीमार अपने अनार को धोखा नहीं दे सकता पगली है मेरी। बाबा जी ने कहा ठंडे पानी में लगा दिया मेरे को। फकीरा जमा नदी में, मांगे सबकी खैर, हो गई दोस्ती महेश से, अब न रहा खानदान का बैर। हो गई दोस्ती महेश से, अब न रहा खानदान का बैर। बाप रे पुलिस। महेश
पुलिस मर गया और पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया। गॉड प्रेयर महेश कर देवा था। महेश महेश का देवा था। महेश का देवा था। महेश टोकियो दे सो महेश अब तुम चले जाओ कहीं बापू ना जाए। अरे तेरा बाबू तो पहले नदी के ठंडे ठंडे पानी से सर्दी का शिकार हुआ होगा, उसके बाद पुलिस का शिकार होकर जापानी हवालात में बैठा छींक रहा होगा। छींक जापानी हवालात में रहा और आवाज यहां तक आ रही है, छींक है या सुपरसोनिक जेट? ये बापू की छींक है। बाबरे बाबरे कहां है वो बदमाश? अच्छी बापू तुम्हें नजला हो गया? ओ मेरा नजला कहां है? अच्छी दवाई दे। ओ मेरा नजला महेश कहां है? खैर मैं अभी तेरा खू करता हूँ। चिल्ला फिर मिलूंगा। खैर मैं अभी तुझे मिलता हूँ। खैर महेश यहां? तेरी मौत तुझे जापान खींच लाई है, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहर जा आ गया देख कर। महेश महेश अच्छा? कौन महेश? यार मेरा दोस्त महेश न जाने यहां कैसे आ गया, उसके पीछे उसके होने वाला ससुर रिवॉल्वर लेकर भाग रहा है। लेकिन तुम कहां जा रहे हो? उसे ढूंढने। मगर वो रास्ता तो गीशा हो जाता। तो क्या हुआ? बादशाह मान जाओ चंगी जगह नहीं। सरदारा मैं अपने दोस्त महेश को ढूंढने जा रहा हूँ, गेशा को नहीं। बहन दीदी मेरी जापानी दीदी हो, मुझे बचा लो, मेरी शीला के सुहाग को बचा लो। उसका बाप रिवॉल्वर लेकर मुझे मारने आ रहा है, नहीं समझी? पिस्तौल ठो ठो। कहाँ गया बदमाश? मुझे मुझे आप यहाँ यहाँ तो आप फरिश्ते मालूम पड़ते हैं। जी हाँ, ये जगह ही ऐसी है कि जहाँ इंसान का गुजर नहीं सिर्फ हम जैसे फरिश्ते आ सकते हैं। यहाँ भी अपने भतीजे को ढूंढने आए हो? वो तो मिल गया है? भगवान भला करे सरदार जी का, इनकी वजह से मिल गया। ये बहुत पहुंचे हुए जोशी भी। सरदार जी जरा साड़ी मुश्किल भी आसान कर दो। सरदारा जरा इनका फ्यूचर भी देख लो, मैं तब तक अपने दोस्त का फ्यूचर देखता हूँ, बहुत खतरे में मालूम होता है। बैठ जा बैठ बैठ, ये ले। इधर भी लड़कियां उधर भी लड़कियां, न जाने वो बदमाश किधर घुस गया। माल का चक्कर है? माल तो उस लड़की के पास इतना है कि सारी दुनिया की खूबसूरत लड़कियां खरीदी जा सकती है। तब तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। मिलेगी सरदार? मिलेगी, मगर उस वक्त जब तुम मौत की आखिरी सांस लेते हो। सरदार अपने आखिरी अल्फाज वापस ले ले, मैं उस लड़की को हासिल किए बगैर मर भी नहीं सकता। या की को।
इस जापान में मुझे किसने पुकारा जो मैं हो गया दीवाना? जिसने तुझे पुकारा वो है तेरा नाना। मुशी मुशी। हाय। मेरे को इस तरह अकेला छोड़ के मत जाओ। अरे तुम हिंदी भी बोलती हो? मैं इंटरनेशनल गीशा हूँ। इंटरनेशनल गीशा? हाँ, इसीलिए तो मैं हिंदी भी बोल सकती हूँ, गुजराती भी बोल सकती हूँ और मराठी भी। अब तो तुम्हें एकड़े बसा। अनुने इतने को दसा दो मारी का तू। बापू हमें तुम्हें तुम्हारो आ टोपो काढ़ी नाखो। शाखी मैं क्या उधर क्या देख रहे हो? साडे कोल भी तो देखो। तुम तो सब जबान बोलती हो। इंटरनेशनल गीशा। अच्छा तो तुम हमारे हिंदुस्तान की शेरो शायरी भी जानती हो? हाय। मैं जो शेर बोलूंगा उसका जवाब तुम दोगी? हाय। अच्छा मुझे सुनो। हाय। रात भर अंडा पकाया डार्लिंग। हाय। रात भर अंडा पकाया फिर भी वो कच्चा रह गया। मर गए शायर लेकिन उल्लू का पट्ठा रह गया। अच्छा इसका जवाब दिया। अब दूसरा। हाय। खिली थी धूप हर सम, खिली थी धूप हर सम और पानी बरसता था। जब तू पैदा हुआ तो तेरी माँ रोती थी और बाप हंसता था। मैं इंटरनेशनल शाखे। मुशी मुशी। हाय। मुशी मुशी। हाय हाय। मुशी मुशी। हाय। मुशी मुशी। क्या मुशी 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 मुशी। अब नहीं मिलेगा। मुझे पूरा डिब्बा दो। दो पूरा डिब्बा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो मैं अंकल के सामने एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्लीज चिकू। तो फिर लौट पूरा डिब्बा। लो बाबा लो पूरा डिब्बा। आंटी तुमसे एक बात पूछो। पूछो। ये सब एक्टिंग तुम क्यों करती हो? यू ही मैं बताऊं? बताओ। आंटी अंकल से चुप हो जा। एक सूढ़ी हिंदुस्तानी कुड़ी जापान के टेलीविजन पर नजर आई थी यार, लेकिन वो भी गायब हो गई। मैं भी तड़प रही हूँ तुमसे उसी रूप में मिलने के लिए, मगर यकीन मानो चीकू की आंटी के रूप में तुमको भी तड़पाऊंगी जरूर। अंकल तुम्हारी आंटी। मेरी आंटी? उनकी आंटी नहीं तुम्हारी आंटी। तुम्हारी नहीं मेरी आंटी। अभिया गुड मॉर्निंग। व्हाट गुड मॉर्निंग? अबे चीकू ये आंटी मुसीबत कहां से आ गई? व्हाट तुम हमको मुसीबत बोलता है? हम हिंदुस्तान जानता है तुम्हारे भाई से सीखा था। हम अभी पुलिस में रिपोर्ट करने को जा रहा था, मालूम हुआ चीकू इधर है। पुलिस में रिपोर्ट? मेम साहब इसकी क्या जरूरत है? तो
तुम उसको कैसे भगा के लाया? हम अभी ले जाएगा चीकू को। भगा के? मैम साहब, ये मेरे बड़े भाई का लड़का है। क्यों चीकू? यस अंकल, ये हमारा बड़ी बहन का लड़का है। क्यों चीकू? ये शांति आंटी अंकल। क्यों शाहब? इतना बड़ा पाल था उसके हम किया, न जाने ये अंकल किधर से आ गया। हम चीकू को इंडिया नहीं ले जाने को देगा। मैम साहब, मैं जापानीज गवर्नमेंट से इजाजत ले चुका हूँ। हम तुम्हारा परमिशन कैंसिल करवा देगा। चीकू इंडिया नहीं जाना चाहता है। क्यों चीकू? यार चीकू, ये इज्जत का सवाल है, आज तो हाँ कह दे। नहीं, मैं आंटी के साथ रहूंगा। खून मेरे घर आने का है, रहेगा आंटी के साथ, सूप पिएगा सरदार के हाथ से। चीकू चलो हमारे साथ। टाटा। टाटा। अबे होटल से बाहर निकला तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। ये तुम्हारा लव है चीकू, चलो। ये आंटी की बच्ची। क्या बोला? आंटी की बच्ची बोला? हाँ, आंटी की बच्ची बोला। हमने जिंदगी में मुर्गी तक का भी खून नहीं किया, लेकिन अगर तुम चीकू को ले जाएगा तो हम तुम्हारा गर्दन मरोड़ देगा। तुम हमारा खून करेगा, हम पुलिस को बुलाएगा। पुलिस? अरे मैम साहब, हमने खाली बोला, खून थोड़ी किया तुम्हारा। आंटी तुम पुलिस को बुलाओ, हम अंकल के खिलाफ गवाही देंगे। अबे तू कहाँ जा रहा है? जुमा जुमा 8 दिन की पैदाइश है, गवाही दूंगा। पुलिस में मानी जाएगी तेरी गवाही। ओ सरदार जी, सरदारा, ओ सरदारा, जल्दी उठो, पुलिस आने वाली है, मैं पकड़ा जाने वाला हूँ। सरदारा, उठाने को मना क्या है? रात को देर से सोए। ओए बच्चू, फुट देर से सोया है। सरदार, ओहो, तुम्हारी इन खर्राटों में मुझे पुलिस के डंडों की आवाज आ रही है, जल्दी उठो सरदारा। ओहो, अब भी अगर तुम नहीं उठोगे तो मुझे सारी जिंदगी सो जाना पड़ेगा। अरे जल्दी उठो सरदारा। ओ सरदार के बच्चे, क्यों शोर मचा रहा है बे? और मैं क्या सरदारा? क्या है बे, कच्ची कच्ची नींद से उठा दिया, मीठे मीठे सपने देख रहा था। यार मुझे तो जागते में मौत के सपने आ रहे हैं। क्या हुआ बे? हुआ क्या पूछ रहे हो? वो चीकू की आंटी आ गई थी यहाँ, आंटी गई है पुलिस को लाने, वो चीकू को अपने साथ ले जाना चाहती है। जान दे ओए। अरे जान दे तो घर पे माँ के जूते पड़ेंगे, और न जान दे तो यहाँ पुलिस के डंडे पड़ेंगे। हाँ? ये तो बहुत बुरा हुआ। सुना है जापानी जेल विच मेंढक और कॉकरोच खाने देते हैं। कॉकरोच? अरे यार सरदार, तुम्हें कुछ उपाय बताओ, तुम्हारे सिवाय मेरा जापान में है कौन? अच्छा ये तो बताओ, कुड़ी देखने में कैसी है? कुड़ी देखने में? यार ठीक तरह से देख नहीं सका, लेकिन हाँ उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है, और गुस्से में ज्यादा खूबसूरत मालूम होती है। तब तो मामला जम गया, मुंडा भी मिलेगा कुड़ी भी मिलेगी। क्या मतलब? तुम कुड़ी से प्यार करना शुरू कर दो। उस शेरनी से? शेरनी? अरे जब शेरनी से प्यार किया जाता है तो वो भी हिरनी बन जाती है। यार फिर तुम्हें उसे हिरनी बनाओ। अरे वाह वाह, भतीजा लिए जा रही है तुम्हारा, और प्यार करूं मैं? कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मैं चीकू से पता लेकर अभी तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता हूँ, तुम कोई तोहफा वोफा लेकर पहुँच जाना। यार लेकिन सरदारा, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मेहरबानी होगी अगर वो तुम्हारी मोहब्बत वाली किताब से 2-4 टुकड़े हमें भी सिखा दो। देखो मोहब्बत में सबसे पहले हमदर्दी जाहिर करना बहुत जरूरी है। वाह सरदारा, क्या बात कही तुमने। काश तुम उस कुड़ी से पहला ही जुमला ये कह देते कि तुम्हें उसकी बड़ी बहन के मरने का बहुत बड़ा अफसोस है, तो पहले ही मुलाकात में बात बन गई होती। मुझे अफसोस है आपकी बहन के मरने का। हम भी बहुत सॉरी है, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत अच्छा आदमी था, हमको हिंदुस्तानी बोलना सिखाया। गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम। न जाने क्यों कल रात मुझे नींद नहीं आई, मिजाज कुछ चिड़चिड़ा हो गया था, आपसे बदतमीजी कर बैठा। आई एम टेरिबली सॉरी। हम गुस्से का तेज है,
लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, जाओ तुमको माफ कर दिया है। थैंक यू, ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ। अरिगातो। अरिगातो? थैंक यू, शुक्रिया। ओ, शुक्रिया। तुम कितना तकलीफ किया। जी तकलीफ की क्या बात है, हम तुम्हारा एहसान कैसे उतारेगा। मेहरबानी करके अगर आप पुलिस स्टेशन न जाइएगा तो बड़ा आसान होगा। तुम कैसे माफिक बोलता है, तुम जैसा अच्छा आदमी तो दिल के पुलिस स्टेशन में रखना मांगता है। ओह, चालीस कयामत की कि मालूम होता है गंगा जी की मचलती हुई मौज, घूम कर देखने की अदा, वक्त की पुकार, गौर से देखने की अदा, कयामत। इधर देखें तो कयामत, उधर देखें तो कयामत, मुंह देखती रह जाए। अब हम जाने मांगता है। इतनी जल्दी? मोहब्बत की शराब आहिस्ता आहिस्ता पीना चाहिए। डरती हूँ कहीं आपे से बाहर ना हो जाऊं। फिर कब हमारी मुलाकात होगी? कल। सायोनारा। सायोनारा। बाय बाय। सरदार जी कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम सरदार जी? मेरी जान, बाहर निकलो। ओ सरदार जी। अबे क्या हुआ सरदार जी? आज तो गले लग ही जाओ। क्या हुआ? तुमने वो नुस्खा बताया है जिसकी हसद में रोमियो, मजनू, फरहाद सब हाथ चाट कर मर गए। तुसी शराफत दलाल गल करो, एक गले वाले लड़ने का बेटा चंगा नहीं। सरदार आज तो गले लग ही जाओ। तुसी अनाड़ी हो, बिल्कुल अनाड़ी हो। मैं तो समझा था तुम वहां से गले वाले मिलकर आए। ओ सरदार, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, आजकल में वो दिन भी आने वाला है। तुसी ये तो बताओ, मीठी है, तीखी है, सलोनी है, कड़वी है? हाय हाय हाय, जब हंसती है तो मालूम होता है शक्कर की दुकान, और जब बिगड़ती है तो मालूम होता है हरी हरी मिर्ची, और जब गुस्सा करती है तो मालूम होता है लाल लाल मिर्च, राइट? और जब गुस्से में जरा हंस देती है तो मालूम होता है गुलाब में बसी हुई गुलाब जामुन। अरे अरे, तुमने तो जाकर अपना हाथ ही काट लिया। क्या करते हो तुम, गंदे हो, बिल्कुल गंदे हो। असली जगह ठंडे पड़ जाते हो, और जब सरदार के पास आते हो तो बड़ा जोश दिखाते हो। तुम्हें तो वही खुशबू आ रही है जो उसमें आ रही थी। सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखाई देता है। अरे यार, मिलने का वादा कब किया है? कल। तुम भी आ जाओ यार, दूर से हम दोनों का मजा लूटो। ये सबक हमारी किताब में नहीं है कि शिकारी शिकार खेले और हम दरख्तों के पत्ते गिने। मोहब्बत भरे दिल का सलाम कबूल फरमाइए। मेहरबानी होगी नाम बताइए। महबूब का नाम नहीं पूछा करते। तो फिर मैं जीऊंगा किसका नाम लेकर? मोहब्बत करने वाले जीते नहीं, मरते हैं एक दूसरे का नाम लेकर। मेरी हर आरजू आप पर सदके। ये बताइए कि रहती कहाँ है आप? आपके करीब, बिल्कुल आपके दिल के करीब, बल्कि आपके दिल में। मोहब्बत नामे हम आशिकों के दिल में रहता है। बुताने महावश उजड़ी हुई मंजिल में रहते हैं, के जिसकी जान लेते हैं उसी के दिल में रहते हैं। जी चाहता है वो चूम लो, मगर नहीं। कोई मुंह चूम लेगा इस नहीं पर, शिकन रह जाएगी यूं ही जबी पर। अजीब वक्त मोहब्बत में आए जाते हैं। वो हम में और हम उनमें समाए जाते हैं।
बुरा मान गया क्या? न जाने क्यों एक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी गहरी नींद से चौंक उठा हूं मैं। कुछ काम याद आ गया क्या? जी हाँ, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। हमसे भी ज्यादा? अगर आप बुरा ना माने तो हाँ कह दो। फिर कब मुलाकात होगी? कल इसी वक्त इसी जगह। हम इंतजार करेगा। सायोनारा। मेरी जाने जाना ना सरदार जी, मोहब्बत भरे दिल की दुआएं कबूल करो। अचानक 5 बजे वाले प्लेन से चीकू के साथ हिंदुस्तान जाना पड़ा और तुम्हारे एहसानों का शुक्रिया भी ना अदा कर सका। ये जापानी लड़की उस टेलीविजन वाली लड़की से मिलती जुलती जरूर है, मगर वो हिंदुस्तानी लड़की वाले अंदाज कहां। याद है तुम कहा करते थे कि टोक्यो श्राइन में दुआ करने से बिछड़े दिल जरूर मिल जाते हैं। मेरे लिए वहां जाकर दिल से दुआ करना, शायद वो शाहे खुबा मिल जाए और उसे अपना बना सकूं। तुम्हारा अशोक। Attention please, Japan Airlines announces the departure of their flight 007 for Hong Kong, Bangkok and Bombay. Attention please, passengers are requested to proceed to the aircraft. Sayonara. याद है तुम कहा करते थे कि टोक्यो श्राइन में दुआ करने से बिछड़े दिल जरूर मिल जाते हैं। मेरे लिए वहां जाकर दिल से दुआ करना, शायद वो शाये खुबा मिल जाए और उसको अपना बना सकूं। इतनी देर से छिपा हुआ मुझे सता रहा था। सारा वक्त तुम सताती रही, हम नहीं रोए। एक बार हमने सताया तो बुरा मान गए। सरदार जी आज तो बड़ा प्यार आ रहा है, आज तो गले लग ही जाओ। मिल गई तिजोरी। इनाम वाली लड़की मिल गई। छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। अबे अंधा है, देखता नहीं सामने तेरा बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है। अबे तो क्या हुआ, आधा आधा बांट लेंगे। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। अशोक, महेश। आशा, ये मेरा बचपन का दोस्त महेश है। हाय। यही तो है जिसे मैं गीशा उसमें ढूंढ रहा था। अबे भाभी पसंद आई? हाँ भाभी। भाभी फिर खो गई तिजोरी की चाबी। एक्सक्यूज मी, इधर आओ। अबे
अगर ये भाभी है तो सरिता क्या तेरी खाला है? सरिता से शादी करने का ठेका थोड़ी लिया है मैंने। तू भी मरेगा और मुझे भी मरवा डालेगा। शेरनी माँ ने मुझे जापान तेरी हिफाजत के लिए भेजा है। अगर उन्होंने ये भाभी को देख लिया तो मेरा जा भी निकाल देगी और पान भी निकाल देगी। क्या बकता है इधर आ। जिस दिन बहू के चांद से चेहरे पर माता जी की नजर पड़ेगी उस दिन बहू के नाम की माला जपने लगेंगी। अबे, तुझे तो भाभी भी मिल गई और भतीजा भी मिल गया। अब कुछ ऐसा सोच कि मुझे मेरी शिला मिल जाए। न जाने कौन सा लाल जड़े हैं उस काले चटर्जी में जो उसका बाप उसके साथ उसकी शादी कर रहा है और मेरे पीछे रिवॉल्वर लेकर घूमता है। वो बेचारी दिन रात रोया करती मुंह टेढ़ा करके। आओ बेटे चटर जी आओ, मैं शीला बेटी को बुलाता हूँ। अबे चोटी, तुम एक्टिंग ठीक से करना, मैं डॉक्टर को लेके अभी आता हूँ। आओ बेटा चटर जी आओ। हाँ ये है तुम्हारी छोटी सी ससुराल शीला। बड़ी नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को। तुम तो जानते हो हिंदुस्तानी लड़की बड़ी शर्मीली होती है, गूंगी है, जैसे जवानी नहीं है। मैं अभी बुलाता हूँ शीला। शर्मीली है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी बुला के लाता हूँ। बैठो बैठो। शीला बेटी, चटर्जी बेटा आ गया है, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले, क्या मेरी नाक कटवाने का इरादा है? पान के साथ तमाकू ज्यादा खा लिया क्या? लाल लाल पान। हाँ ये कौन सी जबान में बात कर रही है? हे भगवान, हमारे खानदान में अंधे जरूर हो गए थे लेकिन गुंगा कोई नहीं हुआ था। बिल्ली के भागों में छीका टूटा, ओठो भी है। ई नाना बुदू वाला हजा, जबान बाहर निकालो। यला कसम नहीं तो हम तेरा नाक कैंची से काट देगा। ब्रादर खिंदे जी, तुम आम को बोला कि दुख्तर गूंगा, तुम आम को ये नहीं बोला कि दुख्तर का वालिद भी गूंगा। चलो जबान बाहर और थोड़ा बाहर। यला कसम, मुंह भी काला, जबान भी काला, दिल भी काला। माफ कीजिए, ये आपका होने वाला फकाल है। हाल अरब साला, हाल साला कोई से? अरे बांग्ला बुझते पड़े किंतु बोलते पड़ी ना। आप कौन है? ई नाना बुदू वाला हजा, बर्तन मांजने जानते लेकिन हमको नहीं पहचानता। हम अजीज महमूद, अरबी डॉक्टर, हिंदुस्तान में हम घोड़े का ट्रेनर थे, इधर आके इंसान का डॉक्टर बन गए। ओह आई एम वेरी सॉरी, अंग्रेजी में सॉरी बोले। आइए जल्दी आइए। ब्रादर खंद, खुशामदीद खुशामदीद। दीद की होच्छे? दीदी 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 बीमार है ना? सुनो एक खुशखबरी ये है कि तुम्हारी होने वाली बीवी अपने आशिक के गम में गूंगी हो गई है। महजबीन जबान बाहर, अफसोस अफसोस। ब्रादर तुम्हारा दोस्तर गूंगा। क्यों गूंगा? क्योंकि ये बोल नहीं सकता। वो क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये गूंगा बावर्ची। हाँ बावर्ची, मैं बावर्ची नहीं हूँ, मैं लड़की का बदनसीब बाप हूँ। ओहो तो ये खुशनसीब दुख्तर का बदनसीब बाप। गौर से सुनो, औरत का सीने में दिल आधा सीधा तरफ और आधा उल्टा तरफ, और तुम इसका महबूब को इससे अलग किया, इसलिए वो जो एक दिल का टुकड़ा था वो इसका हलक में आके अटक गया। अटक गया? तो इसका क्या इलाज है? इलाज है, खर्चा कौड़ी का नहीं। कौड़ी का नहीं? नहीं, तुम इसका महबूब का हाथ अपने हाथ में पकड़ो, जरा जोर से पकड़ो। अब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर अपना दुख्तर नेक अख्तर के करीब जाओ और फिर अपने दुख्तर का हाथ उस महबूब का हाथ में हमेशा हमेशा के लिए दे। अगर न दिया तो ये उम्र भर के लिए गूंगी और तुम इसका वालिद तुम भी गूंगा होगा और इसका शौहर वो भी गूंगा होगा।
और हो सकता है कि बच्चे भी गूंगे पैदा हो सकती और आस पड़ोस वाले भी गूंगे हो जाए कहीं ना कहीं पूरा जापान गूंगा हो जाए ना, 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 ना। और हिंदुस्तान पहुंचने पर पूरा हिंदुस्तान गूंगा हो जाए चटर्जी बाबू इस बीमारी का कोई भरोसा नहीं ये बीमारी कुछ अजीब किस्म की है अगर गूंगे लोगों की आबादी बढ़ गई तो हो सकता है कि गूंगिस्तान बनाना पड़े चटर्जी बाबू तुम्हारा चूल्हा में बैठ दो गुरु रसगुल्ला दास ये केक कौन कहता है कि ये केक है ये मेरा टूटा हुआ दिल है मोहन मेरा टूटा हुआ दिल जिस पर दो कुत्ते बैठे वन एंड टू मोहन दिल दिया दर्द दिया मोहन जी हां जी मोहन जी इस केक के टुकड़े टुकड़े करके शीला जी की शादी में बरातियों को खिला देना और कुछ जी और कुछ नहीं जी और कुछ नहीं ये मेरी आखिरी वसीयत है मोहन जी आखिरी वसीयत है बिल्कुल आखिरी वसीयत है महेश बेटा महेश अंकल अगर आपकी शान में मेरी तरफ से कोई गलती या गुस्ताखी हुई हो नहीं तो माफ कर देना वैसे आज शाम को 4:20 पर क्या होगा टोक्यो टावर के नीचे खादिम की लाश मिलेगी मरी हुई नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करना बाय 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 मेरी नाउम्मीदों के सहारे गुड बाय बेटा महेश मैं शीला के साथ तेरी शादी कर रहा हूँ तेरी मोहब्बत में वो गूंगी हो गई है जब वो गूंगी नहीं थी तब शादी काले भैंसे से कर रहे थे और जब वो गूंगी हो गई तो महेश याद आया दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम वो तेरी है और तेरी ही रहेगी सुबह शाम ऐसी बात है अगर मेरी मोहब्बत सच्ची हुई अगर मेरा प्यार बुलंद हुआ तो अभी बुलवाता हूँ उसको उसी मुंह से 2 मिनट में चीख पड़ेगी आओ मेरे साथ अंदर सुना करते थे मोहब्बत अंधी होती है लेकिन आज आंखों से देखा मोहब्बत गूंगी भी होती है ससुर मोसाय हम भी अरब डॉक्टर बन सकता है कि कैसा लगता है भालो ये ड्रेस था उधर पड़ा था पड़ा था हाँ मैंने कहा था ना शीला कि चटर्जी को तुम्हारे से शादी करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा कहां मेरे मन की मैना और कहां बापू के मन का भैंसा महेश डाली ये आवाज कहां से आई बोल शीला बोल संगम होगा कि नहीं 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 कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं राय साहब मैं कह चुकी हूँ कि पूरे 1 घंटे बाद सोच समझ कर राय दीजिए आप लोग अभी 10 सेकंड बाकी राय साहब अब अपनी राय पेश कीजिए मेरे ख्याल में जैपनीज गवर्नमेंट को तार दिए जाए टेलीफोन किया जाए क्या ख्याल है आपका बड़ा भद्दा ख्याल है आपका मेरा ख्याल है कि हम सब जापान जाएं और ये मालूम करें कि किस हाल में है वो लोग
गुड़िया जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया, ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। शहर मस्ताना जिसका अंदाज मशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ये तो शहर मस्ताना जिसका अंदाज मशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराएं। देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराएं। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। जवानी कहती है प्यार की कहानी, आई वो कैबरे की रानी जिसकी अदा में जिंदगानी, नाचे हर मोड़ पे जवानी कहती है प्यार की कहानी, आई वो कैबरे की रानी जिसकी अदा में जिंदगानी। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। किसी जमाने में हुस्न वाले तीर फेंका करते थे,
अब सूप फेंकने पर उतर आए। अब फिर भी बेशरम लोग दफा नहीं होते। क्या करूं, मोहब्बत जो हो गई है आपसे। दुनिया में बेगैरत लोग होते हैं, मगर तुम्हारे जैसा बेगैरत आदमी आज तक नहीं देखा। गैरत उठाकर उसी दिन एक कोने में रख दी थी जिस दिन आपसे मोहब्बत शुरू की। मुझसे या मेरे पैसे से? एक ही बात है, छुरी खरबूजे पर गिरे तो खरबूजे का नुकसान, और अगर खरबूजा छुरी पर गिरे तो खरबूजे का नुकसान। खैर छोड़िए इस बात को, खाने से क्या लड़ाई। आइए मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। गेट आउट। हजार बार निकालिए, लेकिन ये तो बताइए कि बंदा आपके दर से उठकर जाए तो जाए भी कहाँ। मुझे तुमसे नफरत है। और इसी नफरत का दूसरा नाम हमारे जैसे दिल वालों ने मोहब्बत रख छोड़ा है। जाते हो या नहीं? जो हुक्म। लेकिन याद रखिए, अगर जरूरत पड़े तो बंदा हाजिर है। अंकल मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, आशा को मैंने कमरे में बंद कर दिया, तो उसका अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। कुंजी का ज्यादा ख्याल रखना, कपड़ों का कम, ये उस कमरे की कुंजी है जिसमें शीला बेटी बंद है। मैं अभी स्टीम बात लेके आता हूँ। मालिक हाँ, मैं भी चलूंगा। जहाँ ठहर। बाप दादा नहाते थे गटर के पानी से, और ये बुड्ढा खसक चला स्टीम बात करते। मुशी मुशी, टू आइसक्रीम प्लीज। क्या यहाँ स्टीम बात लेने आते हैं उनको आइसक्रीम भी लानी पड़ती है? ये भी जापान का दस्तूर होगा मालिक। पुराने जमाने में लैला मजनू जंगलों में मिला करते थे, बयाबानों में मिला करते थे, और कब्रस्तानों में मिला करते थे। आंखों आंखों से तकते थे, करीब तक नहीं जा सकते थे। फलाओ इन जापानियों का जिन्होंने हम जैसे नरम नरम आशिकों के लिए ये तंदूरी बाथरूम बनाया। और आज हम साथ साथ स्टीम बात ले रहे हैं, क्या मजा है। अगर ऐसे में बापू आ जाए। ओह वो तुम्हारा गंदा बापू छह छह महीने तो घर में नहाता नहीं है, ऊपर से तुम यहाँ आएगा कभी नहीं आ सकते, तुम खामखा डरती रहती हो। थैंक यू बॉय। बाबूजी अरे दो दिन नहीं बाबूजी, अरे ये क्या है, ये क्या मेरे बाबू चिपक रहा है, मेरे बाबू चिपक रहा है। अरे मैं उड़ क्यों रहा हूँ। अरे क्या हो रहा है मैं उड़ क्यों रहा हूँ। अरे क्या बात है बाबूजी। मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ जाऊँ। अच्छा हुआ, अब तेरी मौत जापानी मोटर के नीचे होगी। Thank you.
दो तुम्हारी बेटी। अरे फ्लेवर के जूते। महेश अंकल। महेश? अरे महेश नहीं, सुपरमैन बोल, उड़ के आ रहा हूं। ये क्या पागलों कैसा हुलिया बना रखा है? अरे वो पागलों का सरदार जो मेरे पीछे लगा हुआ है, है? मगर तू क्यों दादाज बना हुआ? भाभी कहां? न जाने कहां चली गई। अरे तो उसमें परेशान होने की क्या बात है? इनाम के लालच में भाभी का पता मुंह जबानी याद है। तेरे पास है? हाँ, होनोलुलु गिंजा अब्दुल रहमान स्ट्रीट टोक्यो जापान। चल चलो चलो चलो। पहले मैंने इस घर में बच्चा देखा तक नहीं। आपके मरहूम वालिद बुजुर्गवार के यहाँ भी कोई बच्चा नहीं हुआ था। क्या कह रहे हैं? अब्बा हजरत, ये जो बेगम साहिबा खड़ी हैं, इन्होंने मुझे चॉकलेट दी, और ये जो हजरत खड़े हैं, इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा कर यहाँ ले आया। गलत गलत गलत, बिल्कुल झूठ। ऐह पागल लड़की, झूठ और सच का फैसला पुलिस स्टेशन पर होगा। हेलो, कौन डरता है पुलिस से? अजी डरते हैं, अभी हम भी कहाँ है, औलाद तो 100% हमारी है, तो फिर चेलान डालो या निकल चल दो। चलो चलो बेगम, औलाद मुबारक हो। अंकल मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, आप सॉलिसिटर को लेकर आइएगा। ठीक है। थैंक यू स्वीट। थैंक यू। बुंदू का बुर्का बुर्का। मिस्टर एंडरसन, यस, गिव मी दैट लाइटर एंड लेट मी साशा कम। All right, I'll swing her. नूरे चश्म राहत जान, जानी जिगर के छल्ले, जरा मुंडी इधर को कर ले। क्या तुम ही हो वो मशहूर हवाबाज प्राण? जी हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन आप कौन? तुम्हारे दूर के रिश्ते के एक चचा, खुदा मरहूम को जन्नत नसीब करे। मेरे बड़े अजीज दोस्त, हिंदुस्तान में मरते वक्त वो पूरे 1,00,000 रुपए छोड़कर मरे बगैर औलाद के। मैंने अपना फर्ज समझकर वो 1,00,000 रुपए यहाँ जापान में आकर तुम्हारी जान पहचान वाले वो जो चश्मा लगा रहा अंकल। हाँ जी हाँ जी हाँ, वही टंकल, उनके यहाँ जमा करवा दिए इन्हीं पुलिस वालों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा जान। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा। बेगम अब चलने का क्या लोगी? बेगम बेगम बेटा, अपनी चची जान को आदाब नहीं करोगे? आदाब अदा नहीं। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो मेरे लाल। खुदा तुम्हें भी जन्नत नसीब करे। खुदा जब देता है तो देता ही है। जब आशा की लाखों की जायदाद तुम्हें मिलने वाली थी तो फिर उस बूढ़े का बच्चा चुराने की क्या जरूरत थी? मुझे बच्चा बनाने की कोशिश ना करो, पहले मेरा 1,00,000 रुपया लाओ।
और इसमें नो 50-50। लाख रुपया? हाँ वही तो चाचा जान तुम्हें दे गए। चाचा जान? अरे वो बूढ़ा तो आशा को लेकर पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन चला गया? हाँ। और मैं सॉलिस्टर को लेकर यहाँ आया हूँ। मालूम होता है बूढ़ा हम दोनों को बेवकूफ बना गया। हाँ हाँ क्या? महेश, सुनो, चीची पुलिस को लेके आ रहे हैं। चीची क्या? मेरे पिताजी। पकड़ लो इन सबको। कसम खुदा की आजकल इंसाफ का जमाना नहीं रहा। हम तो आपकी दुख्तर नेक अख्तर को इनकी छोटी बहन और अपनी बेगम की मौजूदगी में उस बदमाश महेश के चुंगल से छुड़ा कर ला रहे थे। वाह साहब वाह। लानत है इसी घोड़े पर। लानत है। मुझे यकीन नहीं आता था ही उसको। आपने मुझे पहचाना नहीं? याद नहीं मैं आपके दुकान पर अपने भतीजे को ढूंढने आया था? वही बदमाश महेश था जो उसे उठा के ले गया था। उसका तो धंधा यही है। अभी याद आया। यू इंडियन पीपल माई कंट्री पीपल दोमो दोमो अरिगाता। चाचा मुझे माफ करना। कोई बात नहीं मेरे लाल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परसों मेरे बच्चे की शादी है। वो आज अगर न मिलती तो मेरी नाक कट जाती। आपको और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग शादी में जरूर आइए। जरूर आएंगे। बड़े साले साहब कल इसकी शादी होने वाली है, जरा बच्ची से गले मिलकर दुआएं तो दे दो। बच्ची बच्ची। जाने से पहले क्या मैं आपकी औलाद से मिल सकता हूँ? मिलो मिलो बेटी, ये तो अपने बुजुर्ग है। खुदा तुम्हें खुश रखे, दूल्हा मुबारक हो। आपको भी। आपके बाप को भी है। अरे ये तो ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे तुम्हारे बाप। अरे साहब ये मेरी बीवी के भाई जरूर हैं, लेकिन मोहब्बत में ऐसी हरकतें करते हैं जैसे हम सब के बाप। चलो 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 बेटी चलो। चाचा मिया आप शादी में जरूर आइए, वरना शादी कैसे होगी। अशोक शीला की शादी तो चटर्जी से हो रही है। दूल्हा मिया बकवास बंद कीजिए, इसे जल्दी से पहन लीजिए। आईने में अपनी सूरत देखिए और फिर कहिए शादी किसके साथ हो रही है। आइडिया हाँ, अब बाल को जरा ठीक कर दे। चमत्कार, ऋषिकेश चटर्जी। ऋषिकेश नहीं, बॉम्बकेश चटर्जी। ना ना बॉम्ब ना बॉम्ब। ये महेश के फोटो पुलिस को दे दो और उनको बोलो कि आदमी अंदर घुसने न पाए। ओके बॉस। आधा वर्जे आधा वर्जे आधा। थैंक यू। चाचा जान नहीं आए? जी आज उनका भी निकाह है, वो आपसे कहने भूल गए थे। इस उम्र में? अजी उनके यहाँ तो चार चार शादियां जायज हैं। शादी ब्याह यही एक हम हिंदुस्तानियों को मौका है जो हम परदेश से एक जगह दूसरे को मिल सकते हैं। मालिक मालिक मेहमान सब आ गए। कर दिया। शोशुर मौसा मंत्र तो पढ़ लिया? हाँ बेटा चाचा जी। पंडित जी फिर चालू कीजिए। शायद महेश आया होगा। पंडित जी फिर जारी रखिए। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरी बेटी की शादी एक शरीफ आदमी से हो गई है। अब मैं उसे गोली से मार दूंगा, चाहे मुझे फांसी के तख्ते पर क्यों न लटकना पड़े। ओ पंडित हम बारात लेकर आ गया है। हम तो आपके लड़के को दिए करने आए हैं। हम तो गोरिल्ला नहीं, मुझे तो हटाइए हटाइए। लक्ष्मीकांतम कमलयनम योग विद्यानमानम भावा विष्णु वैरणम सर्वलोकेशनाथम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतिम मंगलम पुण्यराजम मंगलम मंगलान सुनो हरि। उधर भी चटर्जी, इधर भी चटर्जी, इधर भी दूल्हा, उधर भी दूल्हा। मेरी समझ में नहीं आता असली दूल्हा कौन है। आमी आमी वो कौन है अभी पूछता है। तुम कौन है? तू कौन है? आमी ऋषिकेश चटर्जी। आमी बॉम्बकेश चटर्जी। ये कन्या हमारी होने वाली पत्नी है। मैं इस कन्या का
हो चुका हुआ पति हूँ। ये हमारी होने वाली पत्नी है। होने वाली पत्नी थी, अब तो तेरी बहन। किस एंगल से? इंसानी एंगल से, हिंदुस्तानी एंगल से। एक की बीवी दूसरे की बहन समझी जाती है। तुम दोनों जुड़वा भाई तो नहीं हो? ये जुड़वा भाई नहीं, लेकिन ये बुजुर्ग हर एंगल से आप सबके बाप जरूर है। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना की दादा, की रकम गंडोगोल होलो, हमें तुम्हारे खून कर दो। ये तो वही महेश बदमाश है पंडित जी, मेरी उल्टी घुमाइए। कन्या इनकी पत्नी हो चुकी है और आप कन्यादान दे चुके हैं। अब तो फेरे भी हो चुके हैं। तुम शोशुर मशाई को संभालो, हर पोती मशाई को संभालता। माय हनी, ड्यूक ऑफ विंसर ने अपनी महबूबा को हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान का तख्त छोड़ दिया और मैंने तुम्हें पाने के लिए अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान की झोपड़ी छोड़ दी। हाय वो झोपड़ी जो ताजमहल के मुकाबले मेरे मरहूम बाप ने जमुना के किनारे बनवाई थी। खैर छोड़ो इन, आज की रात शर्माने की नहीं, उलट दो ये दूंगा। हो इतनी रात में अशोक का बच्चा, शर्मा रही हूं शीला, रोशनी से अभी ब्लैकआउट किए दे। अब हिंदुस्तानी रॉकेट चांद की तरफ आगे बढ़ा। शीला ये तुम खिसक रही हो या पलंग खिसक रहा है? शीला, शीला महेश, तुम खिसक रहा हो कि पलंग खिसक रहा है? कुछ ना कुछ तो जरूर खिसक रहा है। शीला शीला मत, मेरे पति पर दया करो। शीला मैं समझ रहा था जापान में सिर्फ तुम्हारा बाप मेरा दुश्मन है, लेकिन ये पलंग तो तुम्हारे बाप का बाप निकला। आज तक पलंग टूटते हुए सुना था, लेकिन उड़ते हुए पहली बार देख रहा। तुम अपने इन दादा जान से कहो कि थोड़ा सा नीचे आ जाए। आओ, आओ, और थोड़ा दादा, दादा शीला, शीला, ऐ मौत के फरिश्ते, ऐ जालिम पंखे, मैं लटकाया तो नहीं गया, लेकिन इतना जरूर सुना है कि फांसी पर लटकने से पहले मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। आखिरी ख्वाहिश क्या है? अच्छा तो पंखे देवता के रूप में तुम थे अशोक देवता, और भाभी आपको भी इसी वक्त मजाक सूझा था। शीला डार्लिंग, इस बेवक्त मजाक का बदला लिया जाएगा, आओ मेरे साथ। ये क्या मजाक है महेश? महेश अशोक, मना करो ना इस पागल को। आशा, मोहब्बत में बात नहीं बनती जब तक आदमी सचमुच पागल ना हो जाए। आज ये पागल तुम्हें कैद करना चाहता है अपने पागलपन की एक याद पहना के। वादा करो तुम इसे कभी नहीं जुदा करोगी। बस चलता तो पागल की यादगार दिल में रख लेती। पागल रहे न रहे मगर उसकी यादगार हमेशा बाकी रहेगी। बुजुर्गों ने सच कहा है कि इंसान पागल की सोबत में खुद भी पागल हो जाता है। आज तो इस पागल को इजाजत दे ही दो कि संदल जैसे चेहरे पर तड़पते हुए गजल के इन दो हसीन टुकड़ों को। मेरी माता जी है माँ, इन्होंने चीकू की बीमारी में चीकू की बड़ी सेवा की है। और इस वक्त भी शायद सेवा ही कर रही थी।
आजकल की ये देवियां पैसे के लिए न जाने क्या क्या गवारा कर लिया करती। राय साहब, एक शरीफ लड़की के लिए इस किस्म की गिरी हुई बातें करते हो, शर्म नहीं आती आपको? शरीफ लड़कियों के पैगाम माँ बाप की तरफ से भेजे जाते, यही शराफत का कानून है। और अगर किसी के माँ बाप बचपन ही में मर गए तो फिर वो बदकिस्मत लड़कियां क्या करती हैं? यही करती है जो आज क्या कर रही है, शरीफ घर के बच्चे आवारा कहलाते। माँ, माँ तुम भी किसी की माँ हो, एक दिन ये शरीफ लड़की भी किसी के घर की इज्जत बनेगी, किसी के बच्चों की माँ कहलाएगी। इसका ये हक भगवान ने छीन लिया है, वो लक्षण देकर किस्मत बनाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि कुछ बदकिस्मत भगवान ने ताक कर ऐसे घरानों में पैदा कर दिए हैं जिन घरानों की किस्मतें भी बुरी हैं और जिन पर बद चलने के मोहरे भी लगी हुई हैं। बेशक अगर तुम्हारी और तुम्हारे भगवान की यही तारीफ है तो मैं ऐसे भगवान को मानने को तैयार नहीं। तो ऐसी लड़की के लिए भगवान को बुरा कह रहा है? मेरा भगवान सोने चांदी के चमकते हुए मंदिरों में नहीं, इंसानों के दिल में रहता है। माँ दिल में, वो इंसानों से नफरत नहीं मोहब्बत सिखाता है, मोहब्बत। माँ अगर हो सके तो एक तरफ मोहब्बत रख दो और दूसरी तरफ सारा संसार तोल कर देख लो, अगर मोहब्बत की तराजू के पल्ले झुक जाए तो फिर मोहब्बत ही को भगवान मान लेना। अपनी छोटी मोहब्बत की कीमत बोल, कितना पैसा चाहिए? अगर तुझ में जरा भी शराफत का खून है तो इस दुनिया को अपनी सूरत फिर कभी ना दिखाना। दौलत देकर इंसान खरीदे जाते हैं, ईमान खरीदे जाते हैं, मगर किसी के मन मंदिर में बसे हुए भगवान नहीं खरीदे जा सकते। माँ, माँ मुझे माँ कहती है, बेगैरत। अशोक, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, आगे कुछ न कहना, याद रखो जब तक माँ के चरणों के निशान माथे का तिलक नहीं बनते, भगवान की सौगंध देवी पूजा कभी सफल नहीं होती, कभी सफल नहीं होती। तुम्हारी कसम, ये मेरी इज्जत है, किसी ने मुझे इस काबिल तो समझा। क्यों वो पैसे लेने लगी जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि अशोक को जाल में फंसा कर लाखों रुपए की जायदाद की मालिक बन सकती। बदतमीज सरिता, बहू ने बिल्कुल ठीक किया। राय साहब, अभी टेलीफोन कर, बदतमीज बच्चे को यतीम खाने भिजवा, इसने आज आप पर हाथ उठाया, कल अपनी दादी पर हाथ उठाया। तुम मेरी दादी नहीं हो। चुप, तुम मेरी दादी नहीं हो, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, सिवाय आंटी के। आंटी, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं ऐसे बच्चे को अपने साथ रखने को तैयार नहीं। तुमने राय साहब पर हाथ उठाकर उन लोगों की नजर मुझे और भी गिरा दिया। वो तुम्हें बुरा कह रहा था। देखो चिकू, किसी के बुरा कहने से कोई बुरा नहीं हो जाता। अच्छा और बुरा आदमी अपने कर्म से पहचाना जाता है। अगर तू सचमुच मुझसे प्यार करता है तो राय साहब के पैर पकड़ कर मेरे सामने माफी मांग, फिर दादी को चिमट कर प्यार कर। वो तेरा मूल है, स्वर्गवासी पिता की माता जी। नहीं आंटी, वो मेरी कोई नहीं। देख, नहीं न कर, नहीं तो मैं जिंदगी भर तुझसे बात न करूंगी, कभी तेरी सूरत न देखूंगी। रोपत पाकर जल्द माफी मांग चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए दादी, वो मुझे माफ कर दो। आंटी गलती है, मुझसे बड़ी भूल हुई, जो जी चाहे सजा दो। अंकल, अपने माँ से कौन है कि मुझे माफ कर दे, मेरी तो माँ भी नहीं है। अगर तुम सब मुझसे नफरत करते तो मैं खुद ही यतीम खाने चला जाता। दादी माँ, तुमने मुझे माफ कर दिया, आंटी को भी माफ कर देना। आंटी, दादी माँ ने मुझे माफ कर दिया। आंटी, अंकल, अंकल, आंटी मैं जाने कहाँ चली गई, और ये अंगूठी भूल गई। बस चलता, पागल की याद कर दिल में रख लेती। आशा, आशा,
गायत्री देवी, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। हिंदुस्तान के बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर पीसी रॉय ऑपरेशन कर रहे हैं, इत्तेफाक से वो इसी अस्पताल में मौजूद। आंटी अंकल तो ठीक है ना? मनहूस वो यहाँ, निकल जा मेरी नजरों के सामने से। सुना नहीं तूने क्या कहा मैंने? निकल जा यहाँ से। बाप की सजा मेरे बच्चे को भुगतनी पड़ रही, फिर भी तू पीछा नहीं छोड़ती। तूने एक माँ की ममता को ठेस लगाई, भरे हुए घर में आग लगाई। तूने मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे छीन लिया। तू कभी सुखी नहीं रहेगी, एक माँ की बद्दुआ है तुझे। साइलेंस प्लीज। इसको निकाल दो यहाँ से, इसका हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। निकाल दो इसे, निकाल दो। आप? मैं अशोक की बदनसीब माँ हूँ। ऑपरेशन कामयाब हो गया है, लेकिन लेकिन मुझे डर है कि अशोक के अच्छे हो जाने के बाद कहीं उसकी आंखों की रोशनी न चली जाए। कुछ की मेरा एक ही बेटा, मेरे खानदान की निशानी। माँ की दुआ बेटे के हक में सबसे बड़ी दवा होती है। आप दुआ कीजिए, मैं दवा करता हूँ। राय साहब, माँ आप यही ठहरिए, मैं अभी मंदिरों में जाकर अशोक की सलामती की दुआ मांगती हूँ। चलिए दादी। गायत्री देवी, देखा आपने, इसे कहते हैं मोहब्बत। चलो बेटी। भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। मैं इसलिए आई हूँ कि भगवान न करे अशोक अपनी आंखें खो बैठे, तो डॉक्टर मैं अपनी आंखें देने को तैयार हूँ। लेकिन एक डॉक्टर जिंदा इंसान की आंखें कैसे ले सकता है? प्लीज डॉक्टर। लेकिन मैंने सुना है अशोक की शादी तो कहीं और हो रही है। क्या फर्क पड़ता है शादी से, रिश्ता अलग अलग हो सकता है, कोई किसी की मोहब्बत तो किसी से नहीं छीन सकता। जब वो अच्छे होकर आईने में अपनी सूरत देखेंगे तो उन्हें मेरी याद आएगी। मैं जहां भी हूं उस समय इतनी जगमगा उठेगी मेरी अंधी आंखें कि मैं उसकी रोशनी में अपने भगवान के दर्शन कर सकूंगी, जरूर कर सकूंगी। मैं अंधे अशोक के साथ शादी हरगिज नहीं करूंगी पिताजी। सोसाइटी मुझ पर हंसेगी कि मैं एक अंधे की बीवी हूँ। सोसाइटी तुम पर हंसेगी नहीं, सोसाइटी तुम्हें सर आंखों पर बिठाएगी, कहेगी लड़की ने एक अंधे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। लेकिन मैं एक अंधे के साथ अपनी जिंदगी किस तरह गुजारूंगी दादी? बेटी, अंधा अपनी लाठी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लेगा और तुम अंधे की दौलत के साथ अपनी जिंदगी गुजारोगे। क्या ख्याल है आपका? यू आर ग्रेट डैडी, सिंपली ग्रेट। लक्ष्मी माँ अपनी इस बेटी का ख्याल। अशोक बेटी। आशा नर्स, टेक मी टू द डार्क रूम। डॉक्टर साहब मेरी आंखें ले लीजिए, मगर मेरे बच्चे की आंखें बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ, मगर मजबूरी यह है कि अगर मुझे अशोक के लिए आंखों की जरूरत पड़ी तो जवान आंखों की जरूरत पड़ेगी। मैं बड़ी खुशी से अपनी आंखें ऑफर कर देता, लेकिन अफसोस तो यह है कि मेरी बूढ़ी आंखें भी अशोक के काम नहीं आ सकती। बेटी, पत्नी का धर्म है कुर्बानी। बेटी जी, तुम्हें मालूम है कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उनकी पत्नी गांधारी को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने आंखें होते हुए भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सारा जीवन बिता दिया। वो पुराना जमाना था जब सभी अकल के अंधे हुआ करते थे। सरिता, घबराइए नहीं माता जी, अशोक मेरी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, उनको अंधा हो जाने दीजिए ना। क्या यही मेरी बात का जवाब है?
बड़ी समझदार मालूम होती है आपकी बहू। आखिर बहू किस खानदान की है? खामोश खामोश हो जाइए आप लोग। ये एक वो भी जमाना था जब पति के साथ पत्नियां सती हो जाया करती थी, और आज आज भी कुछ ऐसी हिंदुस्तानी देवियां हैं जो मोहब्बत में ठुकराए जाने के बाद भी अपने महबूब के लिए हर कुर्बानी करने को तैयार हैं। इनकार न करो मां, लोग हीरे जवाहरात लगाकर भगवान की आंखों में जोत जगाते हैं। मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं अपने भगवान को अपनी आंखें पेश करके ऐसी जोत जगाऊं जिसकी रोशनी में तुम्हारे खानदान का चिराग हमेशा जगमगाता रहे। देखो मन ना न करो, शायद इसी बहाने सब भागत का निर्वाण हो जाए। आशा, मुबारक हो गायत्री देवी। भगवान ने मेरी बेटी की दुआ सुन ली, जितनी खुशी मनाया उतना कम है। जितना गम बनाया जाए उतना कम है राय साहब। लक्ष्मी माँ ने आपकी नहीं सुनी। दादी ये कह रहे थे अंधा तो अपनी लाठी के सहारे जिंदगी के दिन गुजार लेगा, लेकिन इनकी बेटी हमारे दौलत के साथ ऐश करेगी। अजी ये झूठ बोलता है। झूठ बोलता है? मुझसे पहले मेरे पोते ने तुम्हें पहचान लिया। बेहतरी इसी में है कि आप जलील बाप अपनी जलील बेटी को लेकर गया दफा हो जाए। मगर गायत्री खामोश। महेश इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दो। जी क्या ख्याल है आपका, मेरा मतलब आपके बाप का। ये रहे आपके टिकट और ये रहा टैक्सी का भाड़ा। चलिए 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 राय साहब, चलिए चलिए, मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। राय साहब, राय साहब ये बत्ती लेते जाइए, शायद आपके काम आएगी। इसे जलाकर आप अपनी गुण सुंदरी के लिए एक पैदाइशी अंधा ढूंढ लीजिएगा। गायत्री देवी अब मुझे हुक्म दीजिए, अपनी छोटी बेटी आशा और अशोक के एंगेजमेंट का इंतजाम यहाँ टोक्यो में ही कर दूं। जरूर। बगैर नींबू की चटनी के खाना बदमजा मालूम होता, उसी तरह खुशी की महफिल बगैर संगीत के बेधुनी मालूम होती। लिहाजा मैं माता जी से इंतजार करूंगा कि वो भाभी जी को खाना गाना गाने की आदत है। तुम्हारी एक हार नहीं पर इस मासूम की जिंदगी का दारो मदार है। अंकल आशा तुम्हारी प्राण से शादी अब बीजी को की जिंदगी का सहारा बन सकती है। अगर पुलिस की मदद लेने आशा, छोड़ दो मुझे। ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे भूल जाने की कोशिश करो। भूल जाने की? डार्लिंग अगर तुम्हारी जबान से नहीं निकलता तो मैं कह देता हूँ। मिस्टर अशोक, पुरानी मोहब्बत का दाग इतनी आसानी से नहीं धोया जा सकता। दाग? मैं तेरा खून कर दूंगा। तूने आशा की नहीं मेरे खानदान की इज्जत पर दाग लगाया है। कब तक मैं खानदान की इज्जत का ख्याल करते हुए चुप रहूंगा? आशा ने प्राण से मोहब्बत की और बगैर शादी की बच्चा पैदा। अंकल बहू ये माँ ये सब झूठ है। ये तो आशा के चाचा जी है। अगर भगवान भी आशा के लिए ऐसी बात कहेंगे तो मुझे यकीन नहीं होगा। आशा कह दो कि ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा, और शरीफों के लिए डूब मरने की बात। भाई साहब इस सदमे से बच न सके। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि ये प्राण से शादी कर ले और खानदान की इज्जत बनी रहे। बहू तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है।
तुम खामोश क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देती? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, ये किसी मासूम की जिंदगी का सवाल है। आशा, अशोक, ये जगह अब हमारे रहने की नहीं रही। हम आज ही के प्लेन से चीकू को लेकर हिंदुस्तान वापस चले जाएंगे। चीकू, आंटी तुम मुझे बताने के लिए इस फ्लोर पर से शादी नहीं कर सकती। नहीं चीकू, मैं अपनी खुशी से इनसे शादी कर रही हूँ। तुम झूठ बोलती हो आंटी, तुमने मेरे अंकल से प्यार किया है। याद है मैंने तुम्हारी बात मानकर तारी माँ से माफी मांगी थी, और आज मेरी तुमको आखिरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें इनसे शादी मत करो, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। नहीं, ऐसे नहीं कहते चीकू। भगवान तुझे, तेरे दादी और तेरे अंकल को बनाए रखे। तुमने तो कहा था जिसको भगवान अच्छा समझते, जिसे प्यार करते, उसे जल्दी बुला लेते। तुम यहाँ बच्चे का लेक्चर सुन रहे हो, वहाँ पंडित मंत्र अलापने के लिए बेचैन हो रहा, अग्नि पूजा के लिए तड़प रही है, और सॉलिसिटर हमारा मुकद्दर बनाने के लिए फड़क रहा। अंकल, अब इस मासूम को छोड़ दो। नहीं, पहले मुझे खूबसूरत लड़की से शादी करनी। तकाशी, जी को कहीं नहीं मिल रहा। क्या? मुझे यकीन है ये भी उन बदमाशों की हरकत है। Meet my would-be husband. How do you do? Have you made up your mind, Miss Asha? Yes. Congratulations. Thank you. Here's your will and letter. Good luck and goodbye. Thank you. Thank you. लाओ मैं पढ़कर सुनाता हूँ। तुम कहाँ तकलीफ करते शहजादे, मैं सुना देता हूँ। बेटी आशा, आज का दिन तुम्हारी और मदन की जिंदगी का अनमोल दिन होगा। तुम दुल्हन बनी हुई अपनी किस्मत पर नाज कर रही होगी, और मदन एक शरीफ और हसीन दुल्हा के इंतखाब पर फख्र कर रहा होगा। बेटी, मैं तुमसे एक राज की बात कहना चाहता हूँ। एक जमाने में मेरा एक बच्चलन अजीज बुरी सोबत में पड़कर घर से भाग गया था। उस बदकिस्मत को यह भी होश नहीं रहा कि उसकी बीवी की गोद भरी जाने वाली है। थोड़े दिन के बाद एक लड़की पैदा हुई, मगर उसकी बीवी शौहर के गम में जी ना सकी। बुरा न मानना बेटी, मैं अपनी सारी जायदाद उसी लड़की को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उसके अलावा कोई वारिस नहीं। वो खुश नसीब लड़की तुम हो, और वो बदनसीब अजीज मेरा छोटा भाई और तुम्हारा बाप। मेरी बच्ची, शादी की छुपकड़ी बीती जा रही। शादी की छुपकड़ी बीत चुकी है। मैं इस बदमाश के साथ आशा की शादी नहीं होने दूंगा। जायदाद की 50-50 पार्टनरशिप का क्या होगा? शादी अब नहीं होगी, नहीं होगी। मेरी शादी अब किसी शहजादे के साथ। आप कन्यादान देने के लिए तैयार हो जाइए। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। बेटी, मुझे बेटी मत कहिए। अग्नि पूजा के लिए तड़प रही है। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। बेटी, जब तक मैं आपके भाई की बेटी थी, दौलत की लालच में अंधे होकर आप इनसे मेरी शादी कर रहे थे। बेटी, मैं सचमुच अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो मेरा सहारा। मेरी जिंदगी में अब सहारा ही कौन रह गया है? जीने का हर रास्ता तो बंद कर चुके हैं आप। मैं ये शादी जरूर करूंगी, सारी जिंदगी जल कर गुजारूंगी, ताकि आप देखें और सबक हासिल करें। सिर्फ आपकी बेटी नहीं, वतन की सारी बेटियां, देश की बेटियां हैं, आपकी बेटियां हैं। पंडित जी शुरू करो, बेटी मिलने के नशे में बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है। मेरी जिंदगी है, नहीं होती है शादी। मेरी शादी जल्दी से जल्दी होगी, तुम्हारी पहली आंख से निकालनी पड़ेगी। जिंदा पुलिस स्टेशन, जिंदा पुलिस स्टेशन प्लीज। Thank you.
मुझे माफ करना। बेटी एक बार अपनी जबान से मुझे डैडी कह दो ना बेटी, मेरी मौत को सहारा होने लगा बेटी। डैडी बूढ़े के मरने का गम कब तक करती रहोगी? चलो मेरे साथ, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मैं मर जाऊंगी मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये मेरे बस की बात है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं पुलिस को खबर कर दूंगी तुमने मेरे डैडी का फोन किया है। पुलिस को खबर होने से पहले हम लोग बाहर हवा में आसमान से बातें कर रहे हो। आशा आशा बेटी आशा बेटी आशा आशा अशोक अशोक आशा बेकसूर अच्छा मेरी बेटी मेरी प्राणों को जबरदस्ती उठाकर ले गया। कहाँ ले गया? कहाँ ले गया? कहाँ? एयरपोर्ट। Thank you.
अशोक, अशोक तू जिंदा है? माँ बड़ी मुश्किल से जापान के और तुम्हारे सितारे मिले हैं। अब जल्दी से जापान को सायोनारा करके अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान भाग चलो। अशोक तू तेरी भाभी को लेकर चल, मैं मेरी भाभी को लेकर आता हूँ। चलो राधा खिसको यहाँ से चलो। सब चले गए तो मुझे यतीम का क्या होगा? मालिक मैं भी आता हूँ।